हेलो, शुरू करें। हो चुका है इस तरह का हाँ, पास हो पास। चुका है एक तरीका। अरे, शुरू करें। दोस्तों, हम काफी दिनों से इस बात के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एमसीडी से बीजेपी भागने की तैयारी में है, और जाते जाते भागते भागते एमसीडी की सारी संपत्ति और सारे रिसोर्सेस को कौड़ियों के दाम अपने लोगों को बांटने की तैयारी कर रही है। हर महंगी जमीन को सस्ते दामों में बेच रही है, अस्पतालों को नीलाम करने की तैयारी चल रही है। आज हम उसी के अंदर एक और सबूत आपके सामने रख रहे हैं। हमने पहले ये बताया था कि एमसीडी के जितने भी पार्क हैं, एमसीडी उसके अंदर दुकानें खुलवाने की तैयारी कर रही थी, उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमसीडी जितनी सड़कें हैं उसको भी फूड वैन्स के हवाले करके पैसा कमाने की तैयारी कर रही है, हमने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमसीडी ने नोवल्टी सिनेमा में 150 करोड़ की जमीन 34 करोड़ में बेच दी, हमने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमसीडी दंगल मैदान में करोड़ों की जमीन को एक चौथाई दाम में बेचने की तैयारी कर रही है, हमने उसकी पीसी की। सारी खबरें हमारी सच हुई। आज हम सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी की 1 सितंबर के मिनट्स हैं, एजेंडा है और उसका मिनट्स अभी निकलेंगे। इसके अंदर एमसीडी एक बिल्कुल हैरान करने वाला एक प्रस्ताव लेके आई थी और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब ये प्रस्ताव क्या है कि एमसीडी के पास जितनी भी जमीनें और बिल्डिंगें हैं, डिस्पेंसरी के लिए है, मेडिकल सेंटर के लिए है, मेटर्निटी सेंटर के लिए है, चेस्ट क्लिनिक के लिए है, ये सारी की सारी संपत्ति, कई हजार करोड़ की संपत्ति है जो दुर्भाग्यवश इस वक्त भाजपा के अधीन एमसीडी के अंदर आती है। अब स्कीम ये निकाली है कि ये सारी संपत्ति अपने चाहने वालों को ये कम दामों में नहीं, मुफ्त में देने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में लिखा है कि बिना किसी शुल्क के ये जमीनें ये कुछ एनजीओज को देने की बात कर रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि उसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर ये एनजीओ चाहें तो ये कुछ शुल्क भी ले सकते हैं। कुल मिला के प्राइवेट क्लिनिक्स को और प्राइवेट लोगों को ये हजारों करोड़ की जमीन मुफ्त में देके जाने की तैयारी में है। और मामले में तो एमसीडी ये कह देती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा कमाने हैं, तो इसलिए 150 करोड़ की जमीन हम 34 करोड़ में भी बेचेंगे, हमें तो पैसा कमाना है, तो एमसीडी के पास चलो 34 करोड़ रुपए आएंगे। यहां तो कोई पैसे की भी आमदनी नहीं है, एमसीडी को 1 रुपया ही नहीं मिलेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूं। नॉर्थ डीएमसी शेल प्रोवाइड वेकेंट बिल्डिंग्स एंड लैंड ऑन लाइसेंस विदाउट एनी कंसिडरेशन और लाइसेंस फी। मतलब ये मुझे लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा लाइसेंस होगा जिसके अंदर करोड़ों की जमीन जो है, करोड़ों की बिल्डिंगें आप अपने चाहने वालों को दे दोगे और कहोगे कि भाई आपसे फीस भी नहीं लेनी है, आप मुफ्त में इसका इस्तेमाल करो और पैसा कमाओ। ये आपके सामने जो है हम लोग रख रहे हैं। इसकी कॉपी जो है हम व्हाट्सएप पे आपको सर्कुलेट करेंगे। और अब हम सीधा आदेश गुप्ता से ये सवाल कर रहे हैं कि आप किस कारण से इस घटिया पॉलिसी को लेके आ रहे हैं जिससे एमसीडी को कोई आमदनी नहीं होगी और आप अपने चाहने वालों को, अपने जानकारों को, अपने नेताओं को करोड़ों की जमीन जो है मुफ्त में देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बनाने के लिए दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर क्लिनिक खोलें, अस्पताल खोलें, मेटर्निटी सेंटर खोलें, जो खोलें, और आप चाहे तो इसमें फीस भी ले लें, चार्ज भी कर सकते हैं। बिल्कुल चार्ज भी कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं, जितनी भी जमीन दिल्ली सरकार द्वारा या डीडीए द्वारा, दिल्ली सरकार के पास तो है नहीं, अस्पतालों को दी गई थी,
चाहे अपोलो हॉस्पिटल है या जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको यही कह के की गई है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। क्योंकि अस्पताल और स्कूलों के बारे में कहा जाता है कि आप इससे धन अर्जित नहीं कर सकते, आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आप ये काम चला सकते हैं। और अब वो मनमानी फीस ले रहे हैं, स्कूल भी लेते हैं अस्पताल भी लेते हैं। उसी तरीके से ये ज़मीन जो है मुफ्त में ये बड़े बड़े एनजीओस को अपने लोगों को इस तरह से बंदर बांट करने की तैयारी में जो है एमसीडी है, और ये प्रस्ताव पास कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इसकी तैयारी है, ये प्रस्ताव पास कर दिया है। ये प्रस्ताव जो है अब हाउस में नहीं आएगा, स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया, मतलब ये हो गया है। अब तो बस जमीनों की बंदर बांट शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि कई देशों में कहा जाता है कि जो बड़े पदों पे आसीन लोग होते हैं वो परिवार वाले लोग होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि उनको अपने घर परिवार को चलाने का जो जिम्मेवारी का एहसास होता है। अब जो है देश के अंदर एक अलग ही सिलसिला शुरू हो गया है। आप जब भी महंगाई की बात करें, कुछ बात करें, वो कहेंगे अरे प्रधानमंत्री जी हैं तो देश बचा हुआ है, आप सिलेंडर के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप पेट्रोल के बारे में कह रहे यार आप इतनी छोटी बात सोच रहे हैं, इतने महान प्रधानमंत्री हैं, तो क्या है इसके ऊपर चर्चा ही होनी बंद हो गई इस देश के अंदर। और ये बहुत दुख की बात है कि इसके ऊपर जो चर्चा करता है उसका मजाक उड़ाया जाता है हमारे देश के अंदर, और ये गंभीर बात है। सरकार को इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के बराबर टैक्स कर देना चाहिए, तुरंत जो है ये दाम कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल तरीका आसान है, ये आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल आगे विरोध जारी रहेगा। असल में क्या है, स्टैंडिंग कमेटी में हमारा एक ही मेंबर होता है, तीन है यहाँ पे, तीन है। अच्छा, और उनके कितने हैं? उनके नौ होते हैं। तो बेसिकली उस विरोध का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, ये संख्या लिखेंगे तो फिर तो बड़ी खबर बन जाएगी। इसलिए इसके अंदर लिखा, सबके लिए लिख दिया उन्होंने पॉलिसी बना कि जहां भी हमारे पास जमीन है खाली है, बिल्डिंग है खाली है, वो दे दो। आकलन क्या होगा, लगभग कितनी जमीन होगी पता नहीं, वैसे इसका बड़ा मुश्किल है। हर वार्ड में दो तीन है, 104 वार्ड है, तो हर वार्ड के अंदर दो तीन डिस्पेंसरीज हैं इस तरीके की बता रहे हैं। और कई जगह डिस्पेंसरी नहीं है, जमीन होगी जिसका जो है ना लैंड यूज जो है वो हेल्थ का लिखा होगा कि भाई कभी इसके ऊपर डिस्पेंसरी बन सकती है, अस्पताल बन सकता है। ऐसी बहुत प्राइम प्लॉट्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स उनके अंदर कॉलोनीज के अंदर जो हेल्थ के लैंड यूज के अंदर पड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर इन्होंने दोनों ही कर दिया, पॉलिसी बना दी, अब दे सकते हैं किसी को भी। देखिए मेरे को इसकी बहुत खास जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन बुलेटिन जो है दिल्ली सरकार द्वारा रोज दिया जा रहा है, और अभी तक तो सुचारू चल रहा है। कभी कभी जब केंद्र से वैक्सीन कम आती है तो उस वक्त थोड़ा सा जो है कुछ सेंटर्स के अंदर कमी होती है, अन्यथा जो है ऐसा कुछ शोर हमने नहीं सुना कि कोई गड़बड़ चल रही है, अभी ठीक चल रहा है। ये भाई इसकी फोटो खींच के, हाँ।